जी शुरू करिए जी। जय जिनेन्द्र। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्व तत्त्वानां वंदे तद्गुण लभदे। ओके, हमारा कल का डिस्कशन बहुत ही इम्पोर्टेंट और चला था, जिसके अंदर हम लोगों ने बात किया था कि स्वभाव और विभाव, इन दोनों के बीच का जो फाइन लाइन है, उस फाइन लाइन के ऊपर फोकस करना है। भले ही विभाव है, आत्मा में ही होता है, लेकिन वो आत्मा का नहीं है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये भी समझा था कि जो स्वभाव है और विभाव है, उन दोनों के बीच में जो जीव तत्व है, वो जीव तत्व के अंदर भले स्वभाव और विभाव दोनों दोनों आ जाते हैं, लेकिन हमारा फोकस, हमें जो भेद विज्ञान करना है, हमें भेद विज्ञान स्वभाव और विभाव के बीच में करना है। यदि आपने स्वभाव और विभाव के बीच में भेद कर लिया, तो जो बाकी के अजीव तत्व है, अजीव प्लस आपको छोड़ के बाकी के जितने भी जीव है, इसको ऐसे लीजिएगा कि जैसे आपके लिए आपकी जो वाइफ है वो ही एक फीमेल है, बाकी सब तो आपके लिए सिस्टर्स बोल लो या फिर इंसान जैसे ही है, राइट। आपका जो पार्टनर है वो ही आपका पार्टनर है, बाकी सब तो आपके लिए ऐसे ही आम जनता है। सिमिलरली यहाँ पे भी आपकी खुद की आत्मा, आपकी खुद की आत्मा ही आपके लिए आत्मा है, उसके अलावा बाकी सब जितनी भी आत्माएं हैं वो सब आपके लिए अजीव के जैसी, अजीव समान आपके लिए वो सब इररेलीवेंट है। जितना इररेलीवेंट अजीव है, उतना ही इररेलीवेंट बाकी की आत्मा। तो आपको जो सम्यक दर्शन के लिए भेद विज्ञान करना है उसमें, या आपको जो मेडिटेशन करना है, या आपको जो ध्यान लगाना है, उस ध्यान में आत्मा और आत्मा का क्या स्वभाव है, क्या विभाव है, इन दोनों के बीच में भेद विज्ञान करना अत्यधिक आवश्यकता आवश्यक है। जिस मोमेंट में आपने स्वभाव और विभाव के बीच की जो फाइन लाइन है डिफरेंशिएशन की, वो आपने पता लगा ली, तो जो बाकी के है, बाकी सब तो ऑटोमेटिकली आउट हो जाएंगे। ठीक है, दिस इज समथिंग विच वी हैव सीन यस्टरडे। नाउ आज कौन सा दिन है धर्म के 10 लक्षण के हिसाब से? हम लोग के पास त्याग है। नुपुर जी, त्याग तो हमारे पास भी है। हमारे पास ज्यादा बेटर त्याग है। नहीं, आई एम जस्ट किडिंग। आप लोगों के पास त्याग नहीं, आप लोगों के पास दान है। हमारे पास त्याग है। आई होप आपको त्याग और दान के बीच में डिफरेंस पता है। चलिए अपन एक काम करते हैं, त्याग और दान के बीच का जो डिफरेंस है, उन डिफरेंस को हम लोग एक्सेल पे डालते हैं, ताकि एकदम क्लियर हो जाए। एक टेबल बनाते हैं, आप लोग मेरे को एक एक डिफरेंस बता दो,
किस में क्या डिफरेंस है, अपन उसके हिसाब से उसको करते जाते हैं। आप त्याग किस चीज का करते हो और दान किस चीज का करते हो? कोई बताना चाहेगा? चलो, दान तो यूजफुल आइटम का करोगे, तो ये किसका त्याग किसका करते हो जो आपके लिए यूजलेस है? दान किसका करेंगे आपने, आपने किस, आप में से किसी ने भी जहर का दान किया है? हाँ, हेलो, एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? हेलो, एम आई ऑडिबल? नुपुर जी, नरेंद्र जी, किरित भाई, विपिन भाई, श्वेता जी, यहाँ सुन सकते हैं, सुन सकते हैं, हम देख सकते हैं। वॉइस का संग्रह से नहीं, I unmute विपिन। ओके ओके, थैंक यू। हाँ, तो हम लोग दान और त्याग के बीच का डिफरेंस समझ रहे थे। दान किस चीज का होता है, त्याग किस चीज का होता है? यूजफुल प्रोडक्ट्स का होएगा दान, यूजलेस चीजों का त्याग कर दोगे। जो भी बेनिफिशियल चीजें हैं उनका दान होएगा, अच्छी चीजों का दान होएगा, बेकार चीजों का त्याग हो जाएगा। सही वर्किंग कंडीशन में जो है उसका दान होएगा, टूटी फूटी बेकार कंडीशन में जो है उसका त्याग हो जाएगा। एनी अदर डिफरेंसेस विच यू कैन थिंक ऑफ? हेलो, चलो सबसे की डिफरेंस बताता हूं जो कि डील ब्रेकर या मेकर है। दान करने के लिए यू वॉन्ट समबडी एल्स, यू वॉन्ट देयर शुड बी समबडी एल्स हु इज विलिंग टू एक्सेप्ट द दान। यदि कोई सामने बंदा नहीं है जिसको आप दान दोगे, तो आप दोगे कैसे? ऑन दी अदर हैंड, अगर आपको त्याग करना है तो किसी की जरूरत नहीं पड़ती। हम वस्तु का त्याग कर देते हैं। ओह, दैट्स परफेक्ट। एंड नाउ सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, एक्चुअली बोथ ऑफ देम आर इक्वली इम्पोर्टेंट, बट आई एम जस्ट सेइंग आउट इन द नेक्स्ट मैनर। सेकेंड चीज जो है हमें ध्यान देने की, वो ये है कि जब आप दान देते हो तो आप ये बुद्धि से देते हो कि बॉस मैं पुण्य कमाने के लिए कुछ चीज दान दे रहा हूँ। आपकी ये बुद्धि होती है कि ये मैं दे रहा हूँ, ममत्व, कृतत्व, ये सारी बुद्धियां उसमें होती है। आप पुण्य कमाने के लिए देते हो और त्याग, आपने जिस वस्तु का त्याग कर दिया है ना, उस चीज का आपको कोई टेंशन आपके सिर पे, आप उस चीज का याद ही नहीं रखते। अब एग्जांपल देता हूं,
यदि आप में से किसी ने कहीं पे कुछ चीज डोनेट किया है, मंदिर में एक अलमारी डोनेट किया है, फिर क्या होता है? दान। हाँ जी, लेकिन आप, आपके बच्चे, आपके पोते, आपका पूरा खानदान जब भी उस मंदिर में जाएगा, वो लोग क्या बोलेंगे? हाँ, भगवान जी उधर है, वहां पे दर्शन कर लीजिए, उसके बाद ना ये अलमारी हमारे एक्स वाई जेड ने दान किया था, हमारी फैमिली ने ये दान किया है। ये होता है कि नहीं? हेलो, यस, ये ऐसा होता है कि नहीं होता है? Am I audible? Yeah. मैंने अभी जो चीज बोली आप लोगों ने वो चीज एक्सपीरियंस किया है? होता है, और कोई बोलता है कि उसको अनुमोदना समझ कर शायद बच्चे सीखे आगे। ऐसे है कि आप उसको जो भी नाम दे दो, है तो आपकी ममत्व बुद्धि ना। हाँ, जब बच्चों को सिखाना है तो खुद को करने की क्या जरूरत है? आप बता भी सकते हो ना कि ये देखो यहाँ पे लोगों ने ऐसे भी दान दिए हुए। सही है। अगर समझो कोई इंसान के माँ बाप गरीब थे, उन्होंने कभी दान नहीं दिया, अब वो अमीर हो गया, तो उसको कैसे पता चलता है कि ऐसे दान देते हैं? उनके माँ बाप ने उनको बताया होगा। The point over here is, ये समझना कि क्या चीज का रियल नेचर, उसका स्वरूप क्या है। यदि आपने दान दिया है तो उसके अंदर आपकी मेंटेलिटी, आप वहां पे प्रेजेंट रहते हो लाइफ टाइम, आप उससे कनेक्टेड रहते हो। यदि आपने किसी संस्था में पैसे दान दिए है तो आप जाके पूछते हो कि अच्छा मैंने पैसा दिया था उसका क्या हुआ, कैसे हुआ, यू गेट इन्वॉल्व। ऑन द अदर हैंड, अगर आपने त्याग कर दिया है, अच्छा आप में से कितने लोगों ने वो, आपके उधर ये नहीं होता है ऐसे कि जो भी फेंकना होता है वो आप, हाँ गैरेज सेल्स बोलते हो आप, राइट? गैरेज सेल में कई बार कुछ लोग आके आपको बोलेंगे कि बॉस ये आइटम आप मुझे फ्री में दे दो, मेरे पास पैसा नहीं है, एंड यू डू गिव अवे क्योंकि कोई ले नहीं रहा है, एंड यू जस्ट नीड टू गेट रिड ऑफ इट, देयर इज नोबडी हु इज विलिंग टू पे फॉर इट, सो यू जस्ट गिव इट अवे, एम आई राइट? यस। आप उसके, आपको उसके बाद वैसे वो भावना आती है कि अरे बाबा ये मैंने इसको दिया था, मैं जाके बताओ कि ये मैंने दिया था, ये मेरा है, समथिंग लाइक दैट? कभी नहीं होता। मैंने ऑस्ट्रेलिया में तो एक दो चीजें देखी है प्रैक्टिस, कि उनकी गैरेज सेल का प्रोसेस ना, एक कुछ फैमिलीज बहुत ही यूनिक है, वो लोग जाते हैं गैरेज ओपन करते हैं, सारा सामान डिस्प्ले पे रखते हैं, वहां पे एक डब्बा रख देते हैं, बोलते हैं कि आपको जो चाहिए ले जाओ, इस डब्बे में पैसे डाल जाओ, नोबडी सिट्स ओवर देयर, अपने पैसे डाले नहीं डाले, कितने डाले, क्या सामान लिया, कोई नहीं, बस आप लेके जाओ। हेलो, ऑडिबल? यस। ओके, वैसे वो जो है वो उन्होंने एक तरीके से देखा जाए तो उन्होंने दान नहीं दिया, उन्होंने बेचा भी नहीं है, उन्होंने फॉल, उन्होंने त्याग कर दिया कि भाई कोई मेरे को तो रद्दी में फेंकना था, कच्चे में फेंकना था, कच्चे की जगह कोई और ले जाए, मुझे अंतर नहीं पड़ता। लेकिन अब समझना, उसमें भी उनको कितने, 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ता लग जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी डिपेंडेंसी थर्ड पर्सन पे है कि वो कब आके लेके जाए।
वो ही डिफरेंस दान और त्याग में है। दान में यू आर डिपेंडेंट। मुझे मेरे डैड बताते थे कि यूएस यूके या ऐसे कुछ कंट्रीज है यूएई टाइप, जहां पे मिडल लिस्ट बोलूंगा, यूएई नहीं मिडल लिस्ट, जहां पे भिखारियों की बहुत इज्जत है। वहां पे भिखारी गाड़ी से आएगा और दान देने वाले लोगों की लाइन लगती है, और जो भिखारी जो अमाउंट बोलेगा आपको वो दान देना, क्योंकि फॉर देम डोनेशन इज अ गुड डीड, विच मीन्स वो पुण्य है, तो आप लोग वो आपके लोग पुण्य कमाने के लिए पैसे देते उसको भिखारी को देते हैं। अब भिखारी को पता है तो वो एकदम मास्टर, एकदम A1 मर्सिडीज में आएगा प्रॉपर कपड़े पहन के, और फिर वो आपको अपना बैंक अकाउंट देगा और आपके साथ डोनेशन देगा। ये सिस्टम ने मेरे को मेरे पापा ने आज से 10 साल पहले बताया था बेल्जियम में। कैन यू इमेजिन दैट? तो ये भिखारी कैसे बनते होते हैं? सॉरी, तो वो भिखारी कैसे कहलाते हैं? क्योंकि तो मर्सिडीज में आते हैं जो चाहे, तो ये कैसे भिखारी कैसे कह सकते हैं? अब वहां का है क्या है ओके सो मैं को अभी जस्ट डैड बता ही रहा कि क्रिश्चियनिटी में दान देना इज वन ऑफ द रूट टू मोक्ष। सो फॉर देम दान देना इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वहां पे कोई भी ऐसा बेल्जियम में ऐसा जैसे इंडिया के भिखारी होते ना वैसे भिखारी बैगर्स नहीं है वहां पे, तो वहां पे प्रोफेशनल बैगर्स है जिनका बिजनेस बैगिंग है, और उनका बिजनेस बैगिंग इतना अच्छा चलता है कि वो मर्सिडीज में आते हैं, उनकी दुकान का प्रॉपर एस्टेब्लिशमेंट है। तो उसको तो दान देना अच्छा नहीं है क्योंकि उसको जरूरत नहीं है ना। अच्छा, सो आपका बोलने का मतलब क्या है कि दान देते समय आपने जिसको दान दिया है आपको उसको भी चेक करना चाहिए कि वो? नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ। ओके, जिसको बहुत जरूरत है उसको देना ही अच्छा है ना, मैं ऐसा बोल रही हूँ। आप कैसे डिसाइड करोगे किसकी क्या जरूरत है? आप कैसे डिसाइड करोगे किसकी क्या जरूरत है? जिसके पास खाना पीने के पैसा नहीं होते हैं, कपड़े पहनने के पैसा नहीं होते, तो पता चल जाता है कि उसको बहुत जरूरत है। कैसे पता चल जाता है? उसके उसके मेकअप से, उसके गेटअप से। मतलब अगर मैं भी एकदम ऐसे इधर थोड़ा सा कुछ लगा लगू के आ जाऊं और फिर मैं कपड़े वपड़े फाड़ के ऐसे आ जाऊं, तो क्या आपको लगेगा मुझे भी जरूरत है? इट्स अ गुड क्वेश्चन। आप देने से पहले उनका बैंक अकाउंट चेक करते हो? नहीं भी। हाँ, मतलब जस्ट इमेजिन मैं गाड़ी से ड्राइव कर रहा हूँ, सिग्नल आया, उधर एक भिखारी आया, उसने मांगा भीख, मैंने उसको आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स, आईटी इनकम टैक्स रिटर्न्स, तू तो मुझसे तो अमीर है।
आपको पता है, मैं जानता हूँ ये चीज कि मुंबई में ऐसे बहुत सारे भिखारी है जिनका डेली का कलेक्शन 5 से 10 हजार रुपए का, दे आर सुपर रिच। उन लोगों ने स्मार्टली अपने जितना भी कलेक्शन था उसको यूज करके प्रॉपर्टीज खरीद के उसको रेंट पे चढ़ा के एक फिक्स सोर्स ऑफ इनकम बना दिया है। ऐसे काफी भिखारी है। यदि आप गूगल पे सर्च करके आप जो चेक करना वर्ल्ड्स रिचेस्ट बैगर्स, उनकी वैल्यू, उनकी वर्थ आप देख के आप बोलोगे कि वाह, मुझे अपने को बच्चे को बोलना चाहिए दैट यू बिकम अ प्रोफेशनल बैगर। आपका पॉइंट बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट था कि हम अगर किसी को भी कुछ भी डोनेट कर रहे हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि हम किसे कर रहे हैं, नॉट बेसिस ऑन हिज नीड बट बेसिस ऑन हाउ ही इज गोइंग टू यूज इट। मुझे, मेरे डैड हमेशा एक चीज बोलते हैं कि अगर तुम्हारे पास कोई दादा दादी एकदम गरीब भिखारी आपके पास आते हैं और पैसे मांगते हैं, मत दो पैसे। वो बोलते ना भूख लगी है, ठीक है, अपने सामने उनको एक प्लेट इडली खिला दो चलेगा, पैसे मत दे। एंड आई विल टेल यू माय एक्सपीरियंस, मैंने 10 बुड्ढा बुड्ढियों को बोला कि ओके आप ओल्ड एज हो, आपको भूख लगी, आइए मैं आपको खिला देता हूं। 8 लोगों ने मुंह पे मुझे मना करके गाली देके चले गए। बोलते हैं कि पैसे देना है तो दो, खाना मत दो, हमें जो खाना है हम उस पैसे से वो खाएंगे। और थोड़ा सा आगे कोने में जाके बाजू की जेब से एक बॉटल निकाला और पीने चालू, दूसरी जेब से कुछ और निकाला, मतलब ऐसा नहीं कि उसके पास दवाई का नहीं है। बीच में एक दो लोगों ने और भी क्रिएटिव तरीका निकाला, उनने आके बोला कि हमें दवाई दिला दीजिए। अब उनको दवाई खरीद के दे दो, क्या करते हैं वो लोग, आपसे दवाई लेते खाएंगे नहीं, क्यों, अभी हमारा टाइम नहीं हुआ है। बाद में वो दवाई जाके किसी मेडिकल वाले को बेच देंगे और उससे पैसा ले लेंगे। Am I audible? Yes. आप जब, इससे हमें ये पता चलता है कि दान देना है तो देख के देना है, सही व्यक्ति को देना है। यदि वो कुपात्र है तो उसे नहीं देना है। त्याग करते समय आपका कोई टेंशन नहीं है, इसलिए त्याग इज अ बेटर is much better than दान। अब दान के अंदर जब बात आती है तो 4 टाइप के दान होते हैं, आप में से कोई बता पाएगा? हाँ, आहार दान, औषध दान, ज्ञान दान और अभय दान। हैं? आपने कुछ तो गड़बड़ किया। नहीं, सही है सर, आहार, औषध, ज्ञान और अभय। अरे कैसे सही हो सकता है, मैंने अभी तो ये 5 लाख रुपए का चेक फाड़ के दिया था, सॉरी 200 USD का चेक फाड़ के दिया था, वो कौन से दान में जाएगा? आप ऐसे नहीं कर सकते हो, मतलब आपका दान, सर ने ज्ञान दिया तो वो दान,
मैंने $200 दिए वो क्या है? वो दान में काउंट नहीं होगा। अरे तो फिर मैंने दिए क्यों? आपने मुझसे दान के नाम पे लिए थे ना, डोनेशन ही बोलते हो ना। ये गलत बात है। नुपुर जी आप ना डोनेशन देती नहीं हो, समझ में आ गया, इसलिए आपने ऐसा सिस्टम किया हुआ है कि पैसा को तो आपने दान में रखा ही नहीं है। वाह, आप लोगों को ऐसा फील नहीं होता है? हेलो, हाँ ऐसा है, जो दान है वो चार टाइप के हैं, जिसके अंदर पैसा कभी नहीं है। अभी 5 मिनट ना ये जो पैसा का फंडा है ना, समझते हैं ये पैसे का फंडा क्या है? What is money? आप लोगों ने कभी आपकी पास जो करेंसी है ना वो उठा के देखा है? यदि आप उस करेंसी, पहला एक जमाना था जब करेंसी यूज टू मेड आउट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर एंड अदर मेटल्स, तो यदि मैंने आपको एक गोल्ड कॉइन दिया है, यदि उसका एक्स अमाउंट है, तो वो गोल्ड का उतना ग्राम होता था जिसके कारण से उसकी उतनी वैल्यू सच में होती थी। आज के डेट में तो आपके पास एक कागज है जिसपे there is a promise made कि I will pay you X amount। वो X amount का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट ने कागज पे छाप के दे दिया, ये लो आपका एक अमाउंट हो गया। उन्होंने आपको ये बोला है कि मैं आपको इतना सोना दूंगा, मैं आपको इतना आइटम दूंगा, कुछ ये बोला है? उनने क्या बोला है? मैं आपको एक फिगर दूंगा। चलो मैंने 1 लाख रुपए का नोट निकाल के मैं चालू कर दिया। व्हाट इज बिटकॉइन? मैंने एक अपनी करेंसी चालू कर दी। बोलिए चलेगा? उसके अंदर वैल्यू किधर है? उसके अंदर की जो वैल्यू है वो आपने उसको एक्सेप्ट किया है, आपने इमेजिन किया है, उससे उसकी वैल्यू है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन जो मनी है ये इतना ज्यादा पुराना नहीं है, इट्स न्यू कॉन्सेप्ट। Now at the same time if you look at the things, तो जो औसत दान है, ज्ञान दान है, आहार दान है, अभय दान है, ये सब चीजें हमेशा है, हमेशा रहेगी। You cannot replace them। इन चारों दान में से सबसे ज्यादा यूजफुल ज्ञान दान है, इसलिए उसको सबसे बेस्ट बोला हुआ। और अभय दान का मतलब क्या होता है? अच्छा क्या नुपुर जी का बच्चा नुपुर जी को अभय दान दे सकता है? हाँ जी,
क्या नुपुर जी का बच्चा नुपुर जी को अभेदान दे सकता है? हाँ जी, आई थिंक सो। कैसे? देखो जब तक आपका बच्चा ना बड़ा नहीं हो जाए जब तक नहीं दे सकता। बड़ा होने के बाद बुढ़ापे में। पता है क्यों? 5 साल का बच्चा क्या आपको बोलेगा, टेंशन मत लो, एवरीथिंग विल गो वेल, आई एम देयर। बोलो। कैसे कैसा होएगा? He or she is not capable. आप ना बहुत प्यार से लोगे, proudly लोगे, you will feel good कि wow, nice. But you know, it's of no use. क्योंकि अभेदान उस इंसान को देना चाहिए है जिस इंसान से आपको डर लगता है, जिसको डर लगता है। यदि अभी जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैंने अभी यहाँ पे बोल दिया कि रूपल जी, बकुल जी, टेंशन मत लो, आई विल नॉट आस्क यू एनी क्वेश्चन जहां पे आप फंस जाओ, एंड इवन इफ आई आस्क यू एनी क्वेश्चन, यू डोंट नीड टू आंसर देम, वो दैट इज माई मेथड ऑफ टीचिंग, सो यू कैन इग्नोर इट। अब बताओ, अब इसके पहले रूपल जी और बकुल जी कैसे बैठे थे? अरे अभी सर ने कुछ पूछ लिया तो अभी सर ने कुछ, जैसे मैंने उनको ये चीज बोल दिया उसके बाद, हाँ सर बोलो, रिलैक्स, ये जो है ना पीस ऑफ माइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इतना इंपॉर्टेंट है ना कि इसके कारण से लोगों के सम्यक दर्शन भी अटक सकते हैं। इसका इतना इंपॉर्टेंट है कि सम्यक दर्शन को भी अटका सकता है, इसलिए बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन इस चीज को इतना इंपॉर्टेंट रखा है कि अभेदान अभेदान इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको दानों की लिस्ट में इंक्लूड किया। आहार दान तो आप सबको पता ही है। अच्छा, आहार दान किसको देना? अभेदान, आहार दान, ज्ञान दान, उस इंसान को देना जो उसका सही यूज करेगा, ना कि उसको जो कि उसको गलत यूज करेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल पार्ट है। ठीक है, आप ये बोलोगे ना कि, अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, ये मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूं आपको, आई हैव सीन दिस, देर आर फ्यू पीपल जो कि डोनेशन देने से पहले वो चेक करते कि वो किसको डोनेशन दे रहे। वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ओनर का क्या नाम है? बिल गेट। बिल गेट, हाँ बिल गेट। सो गेट फाउंडेशन है ना, तो गेट फाउंडेशन डोनेशन देने से पहले है ना
चेक करते कौन है क्या है कैसे है, दे इवेल्युएट एंड दे अंडरस्टैंड हाउ इट इज गोइंग टू बी यूज्ड. आफ्टर दैट ओनली दे गिव डोनेशन. This is what I have heard. I have not validated. This is what I have heard. This is how you. मैंने बताया ना झूठ और सच. So मैंने इसको validate नहीं किया है. So हो सकते कि ये झूठ हो सकते कि ये सच हो. So मैंने पहले disclaimer दे दिया है. So वैसे ही अगर आप किसी को भी donate कर रहे हो, so it is your responsibility to check कि आपने सुपात्र को दिया है कुपात्र. ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है दान और त्याग को लेके तो एक बार क्वेश्चन कर लीजिए, क्योंकि मैं इससे ज्यादा इस पे अभी और टाइम नहीं दे रहा हूँ. मैं को और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि कवर करना है, सो आई विल बी कमिंग टू दैट. एनी क्वेश्चन सो फार? ओके. हम लोगों ने जो कहानी स्टार्ट की थी डे वन पे, किसी को याद है कहानी? एक था हीरो, एक था विलन की फैमिली. हीरो ने विलन की फैमिली के साथ झगड़ा चालू किया. सबसे पहले पहले लड़के को, विलन की फैमिली में कौन कौन थे? दादाजी, बच्चे, उनके पोते. दादाजी तो अभी थोड़े बड़े हैं तो वो तो लड़ाई के लिए आएंगे नहीं. पोते जो बहुत ज्यादा छोटे हैं इसलिए वो भी लड़ाई के लिए आएंगे नहीं. तो जो बच्चे हैं उन बच्चों में से पहला लड़ाई आया, आपने उसको भगा दिया, जीत लिया. दूसरा आया, आपने उसको जीत के उसको भगा दिया. तीसरा आया, आपने उसको जीत के भगा लिया. चौथा आया, आप उससे लड़ रहे हो. क्यों? क्योंकि वो चौथा आता है ना जब, तो अकेला नहीं आता है. वो आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आपको पांच बच्चे भी आते साथ में. सो जो लोक कसाई जब अटैक करता है तो पांच पाप आपको आगे डिस्ट्रैक्ट करते हैं. एंड सबसे ज्यादा खतरनाक इंसान जो दादाजी है, उनका अटैक अभी बाकी है. उनका अटैक हम एक दो दिन में देखेंगे, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है. उनको टैकल करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आपने दादाजी को भगा दिया तो बच्चे और पोते अपने आप भाग जाएंगे. यदि आपने दादाजी और बच्चों को टेक केयर किया तो जो पोते हैं ना चिन्नू मुन्नू, वो इतना ही देख के ना अपने आप अपनी जान बचा के भग लेंगे. यू डोंट नीड टू वर्क ऑन देम. आप अगर ये किंग्स की और जो मेडिवल टाइम की जो मूवीज होती है उस पर आप देखोगे तो कैसा दिखाते हैं कि राजा था, राजा को दूसरे राजा ने आके मार दिया, तो उसके जो बच्चे थे उनकी वो बच्चे भाग गए और फिर उनने जाके अपनी आर्मी क्रिएट की और फिर वो अपनी आर्मी को लेके अटैक करने आए. यही होती है कहानी. वो कौन सी एक सीरीज आया था ना, गॉड्स ऑफ थ्रोन, नहीं गेम ऑफ थ्रोन, उसमें क्या था, इसका बच्चा ये, इसका बच्चा ये, इनने इसके मम्मी पापा को मारा तो वो भाग गई दूसरे किंगडम में. उसने अपना एक बच्चा पैदा किया, वो बच्चा बड़ा हो गया तो 18 साल के बाद आके उसने अटैक किया. यहाँ पे 18 सालों में इधर दूसरा गेम हो गया, यहाँ पे उसका बच्चा हो गया तो उसके बच्चे ने बाद में उसने अटैक किया. ये सभी चलता है.
हेलो नो नो यू आर परफेक्टली ऑडिबल यही सभी चलता है ना कि इज देयर समथिंग न्यू समथिंग डिफरेंट सेम चीज को सिमिलर कॉन्सेप्ट का इधर भी देखोगे तो अगर आपने दादाजी को भगा दिया है पोतों को भगा दिया है परमानेंटली जो तो बच्चे है ना वो भी उनके पीछे पीछे अपना जान भगा के भाग जाते हैं यदि उसी के अंदर एक और चीज ये भी आई थी कि अगर आपके फैमिली का नेम खत्म हो जाए एंड इफ देयर इज नोबडी लेफ्ट विच इज लॉयल टू यू विच विल सपोर्ट यू तो आप कुछ नहीं कर सकते तो वैसे ही अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी है कि हर एक चीज का जो कषाय भाव है कषाय को और मिथ्यात्व को जीत लिया तो पापों का टेंशन ही नहीं फिर हम लोगों ने कषाय को जीता उसके बाद पाप आए थे हमें डिस्ट्रैक्ट करने तो अभी वो डिस्ट्रैक्ट करने है तो हमें पता तो होना चाहिए ना कि कौन है जिसके डिस्ट्रैक्शन से हमें बचना है तो हमने उनको समझना चालू किया सबसे पहले हमने किससे स्टार्ट किया था झूठ राइट हिंसा किधर गई हिंसा नहीं आती है हिंसा का क्या हुआ एनीबडी भैया क्रोध के अंदर इंक्लूड हो गई ना फिर झूठ चोरी का कुछ आया था नहीं ओ दान जो है ये भी तो पांच पाप का तो है नहीं अरे बाप रे बाप मतलब धर्म की जो 10 लक्षण है वो ऐसा नहीं है कि पहले चार कषाय फिर पांच पाप ऐसा सिक्वेंसिंग नहीं है क्या आप में से कोई बता सकता है नरेंद्र जी नुपुर जी विपिन जी किरित भाई रमाकांत जी रुपुल जी बकुल जी एनीबडी जब आप उसको रियलाइज करोगे तो आपको ये एक चीज पता चलेगा कि ये एक्चुअली कषाय के पॉइंट ऑफ व्यू से या पापों के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है बट ये सब जो है ये सब के सब का जो पॉइंट ऑफ व्यू है यू नो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ व्यू ओवर हियर एनीबडी मोह कसा ये नहीं ये तो जी बुआ बच्चा तो अभी हम लोग कौन सा फेस्टिवल चालू है एक्चुअली यही पे हम गड़बड़ करते हैं हम लोगों ने नाम ही सही सीक्वेंस में बोलोगे ना तो इजी हो जाएगा 10 लक्षण धर्म नहीं है धर्म के 10 लक्षण है आत्मा का जो धर्म है उसके 10 लक्षण है 10 लक्षण का मतलब होता है उसकी 10 क्वालिटीज
तो ये जो 10 लक्षण है ना, ये आत्मा के 10 लक्षण हैं, और हमने जो यहाँ पे कसाई और इन सब के साथ जो रिलेशन बिठाया है, वो रिलेशन हमने आत्मा की क्वालिटीज के ऑपोजिट में कौन सा विलन है उसके हिसाब से हमने वो आपको बता दिए कि ओके ये चार कषायिक वाले विलन हैं, ये वाला विलन है। इट्स नॉट द अदर वे अराउंड। आपने कभी ये बात पे सोचा है? Anybody has thought on this line? Hello? नहीं, ज्यादा नहीं सोचा। जो इम्पोर्टेंट चीज है वो तो मैं सीख दिया। चलो नहीं सोचा तो अब मैंने आपको हाईलाइट किया ना, एक काम करो, आज तो फ्राइडे नाइट है ना, कल सैटरडे संडे है ना, सो यू विल हैव सम फ्री टाइम। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने जो असाइनमेंट्स दिए थे वो किए हैं कि नहीं किए हैं, कि अगर किए होते तो उसका फायदा मिलता, नहीं करोगे नुकसान आपका। अभी एक और असाइनमेंट दे रहा हूं, आप लोग धर्म के 10 लक्षण किताब, नुपुर जी आपने वो मैसेज कर दिया था क्या ग्रुप में किताब? हाँ सर, शेयर कर ली है, गुजराती और हिंदी मिली थी मुझे, इंग्लिश नहीं मिली। ओके, आई डोंट थिंक इंग्लिश है अवेलेबल, गुजराती एंड हिंदी शेयर कर लिया। ओके, नो इश्यू। तो आप लोग उसको पढ़ो, उसको अंडरस्टैंड करो from Atma's point of view. From which point of view? Atma. Atma का मतलब? Soul. जी. हाँ जी? Soul. कोई और आंसर देना चाहेगा? आत्मा का मतलब नरेंद्र जी, किवित भाई, ऊर्जा होता है आत्मा का मतलब? ऊर्जा नहीं, 2 सेकेंड, 2 मिनट में रिपीट कर देता हूं। आपकी मैरिड लाइफ में पार्टनर कौन है? हेलो, कवर स्काउट। दैट्स द मिस्टेक व्हिच यू आर डूइंग। आप खुद भी तो पार्टनर हो कि नहीं हो? दैट्स ट्रू। सो आत्मा इज अवर सेल्फ। एग्जैक्टली। मतलब अगर मैंने अनाउंस किया कि सारे स्पाउसेस यहाँ पे आ जाइए, तो पता है कोई नहीं आने वाला है। पता है क्यों? हमको लगेगा कि हमें थोड़ी ना जाना है, हमारे स्पाउस को जाना है। हमारे स्पाउस को लगेगा हमें थोड़ी ना जाना है, हमारे स्पाउस को जाना है। और जाएगा कौन? कोई भी नहीं, कोई नहीं। भाई आप खुद भी तो स्पाउस हो। आप खुद भी तो पार्टनर हो ना उस शादी में। यू आर नॉट। शरीर और आत्मा अलग गिनते हैं तो पार्टनर है बाबा? अलग गिनो, एक गिनो, जैसे कितने गिनो।
लेकिन जब आत्मा बोला है तो आत्मा जब मैंने बोला तो अब ये क्यों देखते हो कि भाई आत्मा मतलब अरे वो रूपल जी की आत्मा की बात हुई है, बकुल जी की आत्मा की बात होगी। आपको ऐसा क्यों नहीं लगता कि आत्मा की जब बात की तो वो आपकी खुद की बात हुई? आत्मा का मतलब जीव नहीं होता है, आत्मा का मतलब आई होता है, आत्मा का मतलब मैं होता है। नुपुर जी का मतलब क्या होता है? फीमेल। नुपुर जी का मतलब क्या होता है? ह्यूमन बीइंग। आत्मा का मतलब जीव वैसे ही हो गया जैसे नुपुर जी का मतलब ह्यूमन बीइंग है। हाँ, आत्मा भी जीव है लेकिन आत्मा का मतलब आप, मैं स्वयं। मैं का मतलब कौन? प्लीज आप में से कोई ये मत बोल देना कि आत्मा का मतलब पंडित जी हो गया। ठीक है, जब आप धर्म के 10 लक्षण पढ़ोगे तो वहां पे आपको एक बहुत ही सुंदर चीज समझ में आएगी। धर्म के 10 लक्षण में आत्मा के वो 10 लक्षण को हाईलाइट किया गया है जो कि स्वभाव और विभाव में जो स्वभाव वाला पार्ट है, उस स्वभाव वाले पार्ट के अंदर वो आत्मा के उन धर्मों को, उन क्वालिटीज को आपके ध्यान में आना चाहिए। क्योंकि वो क्वालिटीज अगर आपने अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर लिए तो आपका मोक्ष जाना निश्चित है। चलिए, पहला क्वालिटी कौन सा है? सबसे पहला दिन कौन सा था? क्षमा। एक्चुअली मेरी हिंदी ना थोड़ी कमजोर है, इंग्लिश में समझा सकते हो क्या क्षमा का मतलब क्या होता है? फॉरगिवनेस। ओके, तो किसको किसको फॉरगिव करना है? अपने आप को। क्यों? आपको एक मजे की बात बताओ, हम सब अपने आप को भूल चुके हैं। इसलिए तो संसार में घूम रहे हैं। मिथ्या दृष्टि है हमारी। ये कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते कि मिथ्या दृष्टि हमारी। आपकी दृष्टि ना कोई खोट नहीं है। आपकी थॉट प्रोसेस में खोट है। आपके बिलीव में खोट है। यदि मैं किसी भी महिला को ऐसे देखूं तो क्या कंपलसरी उसको ये लगेगा कि मैं उसको गंदी नजर से देख रहा हूं? नहीं। क्यों, मैं देख रहा हूँ ना इसलिए? इसका मीनिंग नहीं कि गंदी नजर। अरे यार, देख रहा हूँ ना तो मेरी नजर से लड़की को देख रहा हूँ, गंदी नजर ही हो गई ना? नहीं, हर बार गंदी नजर नहीं होती है। गंदी नजर का मतलब
ये नहीं होता है कि आपकी नजर गंदी हो गई है। नहीं, नजर का मतलब होता है कि आपने जब देखा है तो उसका विचार गंदा विचार। वैसे ही यहाँ पे भी मिथ्या दृष्टि का मतलब ये नहीं है कि उसकी उसका ज्ञान या उसकी दृष्टि मिथ्या हो गई है। वो तो जिस वस्तु को देखता है उसको वैसे ही देखता है, वैसे ही जानता है। लेकिन आप अपने मन में उस वस्तु को ये अच्छा है ये बुरा है, ये मेरा है ये तेरा है, ये मैं ओन करता हूं ये तू ओन कर, भाई क्या ये मतलब, ये आपकी कितनी गंदी दृष्टि है, इतनी बुरी नजर है आप हम सब लोगों की कि हम सब लोगों के सामने कुछ आ जाए ना, ये आया हमने इस पे भी बुरी नजर डाल दी क्या? अरे ये पंडित जी का, भाई कभी आत्मा पे नजर डाल के बोला है अच्छा ये आत्मा मेरा है ये सब बाकी सब अलग है, अच्छा ये जो क्वालिटी है ना ये आत्मा की है, ये वाली क्वालिटी आत्मा की नहीं है, ये 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 सारी क्वालिटी आत्मा की नहीं है, ये भी आत्मा की नहीं है। ये भी आत्मा की नहीं है, आत्मा की क्वालिटी क्या है? पहला कौन सा था अपना? क्षमा। क्षमा ओके। दूसरा माधव आजव, इन सब का मीनिंग क्या होता है? क्या ना मेरी हिंदी ना बहुत कमजोर है तो कोई इंग्लिश में समझा सकता है? दूसरा का मीनिंग होता है अभिमान मत करना। गलत। माधव का मतलब ऐसा नहीं होता है कि अभिमान मत करो? नहीं, तो क्या करना? अभिमान नहीं करना तो क्या करना? स्वाभिमान? नहीं, यू हैव टू बी स्टे हम्बल, या डाउन टू द अर्थ, या हाँ तो ये बोलो ना, हम लोगों को नेगेटिव बोलने की क्यों आदत पड़ी हुई है वो समझ में नहीं आता है। आप लोग ने इतना नेगेटिव नेगेटिव बोलते हो ना इसलिए ना फिर बाद में लोग पता क्या बोलते हैं, ओह जैनिज्म इज अ नेगेटिव रिलीजन, दे जस्ट टॉक अबाउट डोंट डू दिस डोंट डू दैट नॉट दिस नॉट दैट, सब नॉट 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 ही आता है। कितनी गंदी दृष्टि हो गई है हम सब लोगों की कि हर चीज में पेसिमिस्टी होते हैं, नेगेटिव ही देखते हैं। ये बोलो ना कि आपको हम्बल होना चाहिए है, आपको कोमल होना चाहिए है, आप ये सारी चीजें बोलो ना। आपका असाइनमेंट, जब आप धर्म के 10 लक्षण पढ़ोगे तो धर्म के 10 लक्षणों में से कौन से नाम है वो मुझे चाहिए। आत्मा के कौन से 10 धर्म है वो मुझे चाहिए। ये मत बोलना कि भाई क्रोध नहीं करना, मान नहीं करना, माया नहीं करना, लोभ नहीं, ये मत बताइए।
करना क्या है वो बताना। आपकी नजर अभी समझना ये क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं आपको समझाता हूं एक सेकेंड में। आई कैन शेयर माय स्क्रीन? जी सर। Is it visible? Yes. ये आपको इधर स्वभाव विभव वाला ही दिखाई दे रहा है ना? I'm not able to know which what is visible over there. Yeah. Okay. अभी समझना। I'm giving you a trick. This is a tip. I will just close in next 2 minutes. मुझे ब्रेकअप हो गया है विभव के साथ। स्वभाव विभव बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, स्वभाव का विभव के साथ ब्रेकअप हो गया। अब अगर स्वभाव पूरे टाइम यही सोचते रहे कि मुझे विभव से दूर होना है, मुझे विभव से दूर होना है, मुझे विभव से दूर होना है, बोलो वो कभी दूर हो पाएगा? भैया साइकोलॉजिकली मेंटली इमोशनली तो उसका दिमाग में ही चल रहा है ना कि मुझे उससे दूर होना है, तो दूर कैसे होएगा? आपने कि उसको डिस्ट्रैक्ट करे दो। डिस्ट्रैक्ट क्यों करना है, उसको खुद के पास पहुंचा दो ना। हमारी सोच में हमारी जो फोकस है वो फोकस विभाव पे हो गया। हम क्या सीख रहे? हम स्वभाव सीख रहे, आत्मा के 10 स्वभाव के बारे में जान रहे। और बातचीत क्या कर रहे? ये स्वभाव, ये वाला विभाव नहीं है। अरे स्वभाव क्या है वो बताओ ना यार, ये क्यों बता रहे हो ये नहीं है ये नहीं है? जो स्वभाव है वो बताओ, उस पर फोकस करो। I will not say anything more on this. I want all of you to put in some time and effort. I want all of you to go and check and come back tomorrow after doing this assignment and मुझे एक एक्सेल शीट या एक कागज के ऊपर लिख के बताओगे स्वभाव का नाम और उस स्वभाव में कौन सी चीज कैसे आती है। मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। लेट मी नो इफ आई एम आस्किंग अ लॉट, लेट मी नो इफ आस्किंग समथिंग विच इज नॉट डूएबल बाय यू। हेलो। हाँ, if you ask me, frankly speaking, if you ask me, तो मेरे हिसाब से तो आप में से ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होएगा जो मैं जो चाहता वो ना करता, वो भी आज की डेट में। पता है क्यों? क्योंकि अभी 10 लक्षण चालू है, अभी तो आपके पास बहाना है पढ़ने का। 10 लक्षण खत्म हो गए ना, उसके बाद तो आपके पास कोई फैक्ट वो पुश फैक्टर भी नहीं रहेगा ये असाइनमेंट्स करने का। अभी कम से कम 10 लक्षण में तो असाइनमेंट्स कर लो। साल में आपके पास प्रोडक्टिव 4400 घंटे होते हैं, उसमें से आप 10 दिन में खाली 10-12 घंटा दोगे क्या? 40 घंटा तो दो कम से कम।
दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, नथिंग मोर नथिंग लेस. क्या आप ये एक असाइनमेंट करके आ जाओ, चार घंटा मत दो बट असाइनमेंट करके आ जाइए, ठीक है? चलिए, we will end our class today over here. कल कौन सा डे है? किंचन मीनिंग सो. ओके, तो कल आकिंचन का मतलब क्या होता है, किसी को ध्यान है? Non-attachment. Perfect. See, you are such a good fast learners, everybody. चलिए फिर. स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? हाँ सर, एक मिनट. नरेंद्र जी, आपको मुझे आज के डेट में हमने ये चीज मिस की है कि हाउ डज दिस, हाउ कैन वी अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट इन आर डे टू डे लाइफ, वो भी हम कल देखेंगे. कल, परसों, नरसो, उत्तम आकिंचन, उसके बाद कौन सा है? ब्रह्मचर्य. एंड देन क्षमावाणी. सामायिक. क्षमावाणी. उसके बाद ये 10 जो आपने सीखे है ना, उसका उसको लाइफ में अप्लाई भी तो करना है. यू कंसिडर लाइक दिस कि आपने क्रैश कोर्स किया था 10 दिन का ऑन डिजिटल मार्केटिंग. अब डिजिटल मार्केटिंग आपने सीख लिया, उसके बाद क्या करना है? भूल जाना है कि उसको लाइफ में यूज भी करना है. ठीक है, कलो परसो इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि कलो परसो बहुत सारी क्लैरिटीज, क्या करना है, कैसे अप्लाई करना है, वो मैं आपको देने वाला हूं. परसो के दिन आई विल गिव यू द मैजिकल वर्ड्स जो मैंने आपको प्रॉमिस किया है, यूजिंग विच यू कैन 110% सी द आउटकम ऑफ दोस मैजिकल वर्ड्स. ओके ओके, कल की क्लास रात को है, सुबह नहीं है, एम आई राइट? हाँ, आपका रात रहेगा, विच इज टूडेज इवनिंग फॉर यू, एंड हम लोग का सुबह 8:30 AM, एंड संडे को भी सुबह 8:30 AM. तो आज संडे का नहीं है पूजा नुपुर जी. ओ सॉरी, संडे का नहीं है. So Sunday ko we'll have to move it either to the evening only or we'll have to skip it. So I think probably we should do it in the evening on sorry. Sunday evening mein nahi chalega, samayik hai na, isliye pratikraman hai na, pratikraman hai us din. I think Sunday ka we'll have to skip it. Basically aap mujhe ye bata dena mere paas aur kitne lectures hai, kitne ghante hai, kyunki jo mujhe aapko 2-3 points maine jo likhe hue hai वो मुझे आपको कब बताना है, मैं उस हिसाब से उसको मैनेज कर दूंगा. सो नरेंद्र जी, विल इट बी देन टुमारो मॉर्निंग का लेक्चर लास्ट होगा क्या? यस, आई थिंक सो. यस, टुमारो मॉर्निंग वुड बी द लास्ट लेक्चर. यस, सो टुडे मतलब आज नाइट का जो मेरा 9 PM का लेक्चर है, दैट इज द लास्ट लेक्चर, राइट? जी ओके. So be prepared that that can be extended by 15 to 20 minutes. Bilkul. Bahut acche. Bilkul, bilkul. Chaliye. Jinwani stuti karte hain. Jinwani stuti kar rahe hain. 9 PM no lecture last week ko to. Aur 15 minute extend hoga, wo mere liye extend hoga. Rat hai na itle. Yeah. Chaliye. मिथ्या तम नाशवे को ज्ञान के प्रकाश शिवे को पापे को सी बखानी द्रव्य जानवी को
विधि भानवे को स्व पर पिछानवे को परम प्रमाण अनुभव को जीव के सताए को भव्य उर आने है चिन्हवाणी है भारती तू ही जो दिन रे जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन या वाणी के ज्ञान पे सूझे लोका लोक वाणी मस्तक नमो सदा देता हो तो जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र ओके जय जिनेंद्र एवरीबॉडी जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र We'll see you all tomorrow morning at 8:30 a.m. our time. Yeah.